हे गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी तवा चाप, जो इजीली हम घर में बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 800 ग्राम सोया चाप, जिसे मैंने वॉश करके कट कर लिया है और डीप फ्राई कर दिया है। इसके बाद हम लेंगे चाप जो मैंने डीप फ्राई कर ली है। ये है अनियन, जिसे मैंने चॉप्ड कर लिया है। अमूल की क्रीम का पैकेट, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने घर में बना लिया था। और ये है टोमेटो, जिसकी मैंने प्यूरी बना ली। 7-8 टमाटर हम ले लेंगे। ऑयल बनाने के लिए चाहिए थोड़ा सा धनिया, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। हरी मिर्च गार्निशिंग, किचन किंग मसाला 2 टीस्पून, सोया चाप मसाला 2 टीस्पून, सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट, जीरा 1 टीस्पून, देगी मिर्च और लाल मिर्च एज़ पर योर टेस्ट, हल्दी 1 टीस्पून और हरा धनिया पाउडर 2 टीस्पून। अब मैंने तवा गरम कर लिया है और इस पर जीरा ऐड कर दिया है। अब मैंने इसमें चॉप्ड अनियन ऐड कर दी है और मैं इसे तब तक भूनूंगी जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब मेरी प्याज बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुकी है और इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है और अब मैं टोमेटो प्यूरी भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी, जिससे कि हमारा मसाला पककर जल्दी से तैयार हो जाए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल मार्केट जैसा। अब मैं इसके अंदर चाप ऐड कर दूंगी, जिससे चाप इसमें डिजॉल्व हो जाए, टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। और 10 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे ही पकाने के लिए छोड़ दूंगी। आप चाहे तो ग्रेवी, अगर आपको गाढ़ी लगी हो तो इसमें आधा गिलास पानी ऐड कर सकते हैं। As you can see, our chaap is ready now. So guys, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए चिली चटपटी किचन।